Good morning, students. Today in GK, I am going to discuss the chapter number 51, that is road signs. रोड पे बने होते हैं साइड में बहुत सारे साइंस, उसका जब तक हम लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं होता है हम लोग उस चीज को रोड पे फॉलो नहीं कर पाएंगे और हम लोग रोड पे सेफली नहीं चल सकते हैं। तो हम लोगों को क्या होना चाहिए, रोड साइंस क्या सिग्निफाई करता है उसका मीनिंग भी जानना जरूरी है। सो वी मस्ट हैव रोड साइंस ऑन द साइड ऑफ रोड। रोड के जो साइंस होते हैं वो जरूरी होता है किस साइड में, साइड ऑफ रोड। दिस साइंस गिव इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शन, साइंस वार्नर्स ऑफ द रूल्स वी मस्ट फॉलो टू बी सेफ ऑन द रोड। ये जो साइंस होते हैं वो हम लोगों को इन्फॉर्मेशन देते हैं या फिर इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करते हैं ताकि हम लोग सेफली रोड पे चल सकें, उसके रूल्स को फॉलो कर सकें। वी मस्ट नो देयर मीनिंग इन ऑर्डर टू फॉलो देम। अब अगर हम लोग फॉलो करना चाहते हैं रोड साइंस को तो उनके मीनिंग्स जो होते हैं उसे जानना जरूरी है। सो लेट्स स्टार्ट। टेक द करेक्ट मीनिंग ऑफ दिस ट्रैफिक साइंस। हम लोगों को क्या करना है, टेक करना है करेक्ट मीनिंग ट्रैफिक साइंस का। सो इन दिस द फर्स्ट वन, यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से करेक्ट आपको टिक करना है। फर्स्ट वन, दिस साइन सिग्निफाइज दैट, ये जो साइन बना हुआ है ये क्या सिग्निफाई कर रहा है, दैट यू हैव टू टेल हियर। सो ऑप्शंस आर ए, वी कैन पार्क आवर कार्स देयर, बी देयर इज नो पार्किंग जोन, सी वी शुड ओनली पार्क आवर कार्स हियर, डी पार्क कार्स ओनली। सो ये क्या किया हुआ है, पी को कट किया हुआ है, सो द आंसर विल बी बी एंड व्हाट इज दिस, दिस इज अ नो पार्किंग जोन, यू विल टेक हियर। सेकेंड नंबर, दिस साइन सेज, ये जो साइन बना हुआ है इस साइन का मीनिंग क्या है, ए देयर इज अ नैरो रोड अहेड, बी नैरो क्रॉसिंग अहेड, सी नैरो ब्रिज अहेड, डी नैरो ट्रैफिक अहेड। ये क्या बता रहा है आपका, सी दैट इज नैरो ब्रिज अहेड, नैरो ब्रिज है आपका आगे, सो यू विल टेक हियर। थर्ड नंबर, इट सेज दैट, ये जो आपका साइन है ये क्या बता रहा है, ओके ये आपको बताना है, ए देयर इज अ फैक्ट्री अहेड, बी चिल्ड्रन अहेड, सी देयर इज अ स्कूल अहेड, डी रोड फॉर चिल्ड्रन अहेड। सो व्हाट इज दिस सिंबल सिग्निफाइज, देयर इज अ स्कूल अहेड, सो सी नंबर, देयर इज अ स्कूल अहेड, सो यू विल टेक हियर। नेक्स्ट फोर्थ नंबर, दिस साइन ऑन द रोड मीन्स, ये जो साइन बना हुआ है इसका मतलब क्या होता है। फर्स्ट ऑप्शन, वी कैन एंटर द रोड और लैंड, बी नो एंट्री, सी नो एंट्री फॉर चिल्ड्रेन, डी एंट्री फॉर कार्स ओनली। अगर ऐसा मार्क बना हुआ है तो इसका मतलब क्या होता है, नो एंट्री, सो बी ऑप्शन यू विल टेक हियर। फिफ्थ नंबर, दिस इज द साइन डिस्प्लेड टू इंस्ट्रक्ट द ड्राइवर्स दैट दे कैन नॉट। ऑप्शंस आर ए, यानी ये जो साइन है ये ड्राइवर्स को इंस्ट्रक्ट करता है क्या, कि वो लोग क्या नहीं कर सकते, सो क्या कर सकते हैं ड्राइवर्स दैट दे कैन नॉट, ओके ए यहां पे बोल रहा है, सॉरी द साइन डिस्प्लेड टू इंस्ट्रक्ट द ड्राइवर्स दैट दे कैन नॉट, यानी वो लोग क्या नहीं कर सकते, ए टर्न राइट, बी टर्न लेफ्ट, सी गो स्ट्रेट, डी टर्न एज दे लाइक। सो आंसर विल बी टर्न राइट, ए। सी नंबर, सिक्स नंबर, दिस साइन मीन्स, ये जो साइन बना हुआ है इसका मतलब क्या होता है, ए क्रॉसिंग अहेड, बी डोंट गो अहेड, सी स्टॉप, डी गो लेफ्ट एंड राइट। सो व्हाट इज दिस, क्रॉसिंग अहेड, यानी क्रॉसिंग है, सो ऑप्शन ए यू विल टेक हियर। सेवेंथ नंबर, दिस साइन सेज, ये जो साइन है आपका ये क्या बता रहा है, क्या इंडिकेट कर रहा है, ए प्ले म्यूजिक एंड ब्लो हॉर्न्स लाउडली, बी नो हॉर्न प्लीज, सी नो ट्रम्पेट्स प्लीज, डी नो टॉकिंग प्लीज। सो व्हाट दिस टेल्स, दिस साइन टेल्स अबाउट, व्हाट इट इज टेलिंग अबाउट, कैन यू से,
ये जो हॉर्न है यहाँ पे हॉर्न बना हुआ है तो ये क्या कहेगा, नो हॉर्न प्लीज, दिस साइन सिग्निफाइज दैट नो हॉर्न प्लीज, सो यू विल टिक हियर. एट्थ नंबर, दिस साइन शोज, ये जो साइन आपका यहाँ पे बना हुआ है ये क्या इंडिकेट कर रहा है, सो यू टर्न अलाउड, बी नो यू टर्न, सी गो टू स्कूल, डी टर्न अराउंड. सो वॉट इज दिस, ये यू टर्न बना करके इसको क्रॉस किया गया, सो नो यू टर्न, सो यू विल टेक हियर. नाउ वी आर गोइंग टू मूव ऑन टू द चैप्टर नंबर 53. होप यू माइट हैव अंडरस्टूड द रोड साइंस. और ये बहुत ही जरूरी होता है क्योंकि रोड पे बहुत सारे साइंस बने होते हैं, अगर उसका मीनिंग हमें नहीं पता होगा तो हम लोग उसे यूज नहीं कर पाएंगे और हम लोग रोड पे सेफली, रोड को सेफली यूज नहीं कर सकते हैं. नाउ चैप्टर नंबर 53, डिफरेंट बुक्स. बहुत सारे बुक्स होते हैं और जो बुक्स होते हैं वो हम लोगों को नॉलेज प्रोवाइड करते हैं फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट्स और डिफरेंट टॉपिक्स, इजंट इट. तो अब हम लोग जानेंगे इस चैप्टर में कि जो बुक्स होते हैं उनका जो स्पेसिफिक पर्पस होता है वो क्या कहलाते हैं. डिफरेंट बुक्स हैव डिफरेंट पर्पसेस. और मैथ्स की बुक, मैथ्स हम लोगों को बताता है कि किस तरीके से करना चाहिए. साइंस के बुक, साइंस के बारे में हम लोग को जानकारी देता है, इन्फॉर्मेशन. यानी हर एक बुक्स का होता है क्या, डिफरेंट पर्पसेस. ऑल बुक्स हैव स्पेसिफिक नेम्स. जिस तरीके से मैथ्स, अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन दिया हुआ है तो वो मैथ्स की बुक होती है, अगर कुछ साइंस रिलेटेड या फिर यूनिवर्स से रिलेटेड है तो वो साइंस की बुक होती है. यानी हर एक बुक्स का क्या होता है, एक स्पेसिफिक नेम्स होता है. सो लेट्स स्टार्ट हियर. मैच द बुक्स विद देयर रेस्पेक्टिव पर्पसेस. यहाँ पे बुक्स को हम लोग को मैच करना है कि उसका पर्पस क्या है. सो हियर द फर्स्ट वन, कंसिस्टिंग ऑफ वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स. यू ऑल आर फेमिलियर विद दिस, कंसिस्टिंग ऑफ वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स. यानी वर्ड्स बताता है, उसमें वर्ड्स दिए रहते हैं और उसके मीनिंग्स भी दिए रहते हैं. कैन यू गेस दैट? यस, इट इज डिक्शनरी. सो यू विल मार्क इट हियर वन नंबर. हियर इट इज रिटेन, मैच द बुक्स. मैच करना है बुक्स को विथ देयर रेस्पेक्टिव पर्पसेस. सो यू कैन राइट हियर डी नंबर, वन डी. ओके, सेकेंड नंबर इट इज प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन वेरियस टॉपिक्स. हम लोगों को बहुत सारे टॉपिक्स पे क्या प्रोवाइड करता है, इंफॉर्मेशन. तो वो क्या हो सकता है, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन हर एक टॉपिक्स, वेरियस टॉपिक्स पे प्रोवाइड करता है इन्फॉर्मेशन, दैट इज एनसाइक्लोपीडिया. सो यू विल मार्क इट हियर ई. थर्ड नंबर, शोज योर मनी स्टेटस इन द बैंक. मनी स्टेटस यानी मनी का क्या स्टेटस है, कितना हमने विड्रॉ किया है, कितना हमारा बैलेंस बचा हुआ है, ये सारी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड विद द मनी इन द बैंक. इट शोज ऑल दैट इन्फॉर्मेशन. वॉट इज दैट? पास बुक. सो यू विल राइट हियर एफ. हम लोग पास बुक में एंट्री कराते हैं इसलिए ताकि हम लोगों को पता रहे, डिटेल्स रहे, वो हमारे मनी स्टेटस बताता है इसलिए. फोर्थ नंबर, यूज फॉर पेस्टिंग स्टैम्प्स और फोटोग्राफ्स. ये यूज होता है पेस्ट करने के लिए स्टैम्प्स को या फिर फोटोग्राफ्स को. वॉट इज दैट? एल्बम. यस, दिस वन बी. यू विल राइट इट डाउन हियर बी नंबर. फिफ्थ नंबर, यू कैन मेक योर डेली नोट्स. आप डेली नोट्स बना सकते हो. इन विच यू कैन मेक डेली नोट्स? यस, इट इज डायरी. सो यू विल मार्क इट हियर सी नंबर. हम लोग डेली नोट्स बना के रख सकते हैं. सिक्स नंबर, शोस द लोकेशन ऑफ डिफरेंट प्लेसेस. अब ये शो करता है लोकेशन, बहुत सारे जो प्लेसेस होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस, उसका लोकेशन बताता है. वॉट इज दैट? दैट इज द एटलस, ए नंबर. सो यू विल मार्क इट हियर ए. नेक्स्ट सेवेंथ नंबर, यूज टू विड्रॉ मनी फ्रॉम द बैंक. हम लोग को अगर विड्रॉ करना है मनी बैंक से तो किससे हम लोग विड्रॉ कर सकते हैं? ATM, you all are knowing, but other way is also checkbook. So you will mark it here H number. Last one it is, contains addresses and telephone numbers. ये address भी contain करता है और telephone numbers भी. What is that? Directory. G. So you will mark it here G number.
Now what you have to do, you have to fill this chapter number 51 and 53 in your book and you will learn this chapter and thoroughly learn it well so that you can give any of the answers to these questions related with chapter number 51 and 53. So that's all for today. Thank you.